हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अगस्त महीने के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और अगस्त 1 और 2 अगस्त दोनों ही दिनों के करंट अफेयर मर्ज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। किसी कारणवश मैं आप लोगों को 1 अगस्त के करंट अफेयर का सेपरेट वीडियो नहीं दे पाया, पर परेशान मत होइएगा, जो इम्पॉर्टेंट वैल्यूबल न्यूज़ मुझे दिखी है वो न्यूज़ आप लोगों के लिए मैं आज ही साझा करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो इतना काम तो कर दीजिएगा। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से कौन सा ऐसा सेशन था जिसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था, तो ये था कराची 1931। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा, जिसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके और आर्टिकल नंबर 35 तक जो है ना वो आते हैं। इसको याद करना बड़ा आसान है। 1, 2, 3, 4 नहीं है, बस 5 है। 1, 2, 3 और 4 को छोड़ के स्किप करके आपको 5 है। इस टाइप से ऐसे आर्टिकल आप याद कर सकते हैं। मौलिक अधिकार है कितने, टोटल 6 है, ये भी याद कर सकते हैं। मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं, तो जवाब रहेगा अमेरिका से लिए गए हैं। क्या इनको कानूनी संरक्षण प्राप्त है, बिल्कुल है। आप लोगों ने आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो ना ये हाईकोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट के रिटें जारी करते हुए ये बात बहुत बार आप लोगों ने पढ़ी होगी। आइए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ें। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सी बात आपका आगे शेयर करता हूं। हालांकि मैंने इसे सेपरेट क्वेश्चन बना के आपको पढ़ा दिया, पर फिर भी आप लोगों को रिवीजन के लिए बता रहा हूं कि हरियाणा में अग्निवीर की तैयारी जो है ना उसके लिए फ्री में कोचिंग दी जाएगी। जो बच्चा 11th क्लास में एडमिशन लेगा उसी टाइम पर जो है ना उसको ऑप्शन जो है वो फिल करवाए जाएंगे। ये स्टार्टिंग में हरियाणा के 200 स्कूल है वहाँ पर स्टार्ट की जाएगी और 50-50 बच्चों के बैच जो है ना इसमें बनाए जाएंगे। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो हरियाणा के फिर तमाम सरकारी स्कूल या जितने भी स्कूल है वहाँ पर इस योजना को जो है ना वो अप्लाई कर दिया जाएगा। आज का पहला हरियाणा करंट अफेयर क्या है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर आदमी को चिकित्सा सुविधा उसके नज़दीक मिले इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एजेंसी से सर्वे करवाया जाएगा। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य होगा, तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। सर इस सवाल का मतलब क्या है, ऐसा समझिएगा। मान लेते हैं कि ये आपका एक शहर हुआ, ठीक है ना, ये आपकी सिटी हुई जहाँ आप रहते हैं, और या ये आपका कोई भी शहर है, रहते हो सकता है आप गांव में भी हो सकते हैं। इस सिटी के अंडर बहुत सारे से गांव पड़ते हैं। ये बात तो देखो सबको पता है कि जितनी सुविधा शहर के अस्पतालों में मिलती है उतना गाँव के अंदर ये मेडिकल जो है ना वो सुविधाएँ नहीं मिलती है। ना ही मेडिकल सुविधा, चलो मिल भी जाए लेकिन मेडिकल इमरजेंसी के लिए तो तुरंत भाग के शहर ही आना पड़ता है। तो एक्चुअली हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अभी रिसेंटली ये घोषणा की है कि हर एक पर्सन को उसके आसपास ही जो है ना पब्लिक हेल्थ सेंटर टाइप से जो है ना, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है कुछ इस टाइप से जो है ना सुविधा मिल सके, इसके लिए जो है ना हरियाणा के अंदर सर्वे करवाया जाएगा कि कितने हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है, कैसे जो है ना इसे अप्लाई किया जा सके। ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। इसकी मैपिंग करवाई जाएगी कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है। कई ऐसे एरिया होते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे टीबी रोग थोड़ा ज़्यादा हो तो वहाँ पे टीबी से रिलेटेड ज़रूरत है। कहीं पर फीवर ज़्यादा होता हो, डेंगू ज़्यादा होता हो, मलेरिया ज़्यादा होता हो, तो उससे रिलेटेड जो है ना ये अलग एक सर्वे करवाया जाएगा। इसको याद रखना है आप लोगों को। अगला सवाल है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति मलिक को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति मलिक को अभी हाल ही में हरियाणा चिकित्सक गौरव अवार्ड मिला है। शायद आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से, मैंने कल के सेशन में आपको पढ़ाया था कि हरियाणा के अंदर जो है ना वो अभी रिसेंटली जो है ना इसी संडे वाले दिन ही हरियाणा चिकित्सक गौरव अवार्ड जो है ना वो बांटे गए हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा। उसमें से डॉक्टर ज्योति मलिक को भी मिला है हरियाणा गौरव अवार्ड, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है जे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि जीवन ज्योति अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट और जो है ना के अलावा स्त्री रोग विशेषज्ञ भी है। इसीलिए जो है ना अपने क्षेत्र में बेस्ट काम करने के चलते हुए इनको ये इस अवार्ड से जो है ना वो नवाजा गया है। और हरियाणा के अंदर अभी रिसेंटली टोटल कितने लोगों को अवार्ड मिला, 75 डॉक्टरों को, मतलब टोटल 75 बेस्ट डॉक्टर है उनको ये अवार्ड मिला है। ये कार्यक्रम आयोजित किया था हरियाणा मेडिकल काउंसिल के द्वारा।
और इस कार्यक्रम में डॉक्टरों को सैल्यूट किया था हरियाणा के सेहत मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है अनिल विज, ठीक है। और इसी में तीसरी बार डॉक्टर हर्ष चौहान को ये अवार्ड मिला, मतलब ये रोहतक के हैं और इनको टोटल तीसरी बार ये अवार्ड मिला है। वैसे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि टोटल 2014 में बजट था स्वास्थ्य का 1700 करोड़ और जिसे अब बढ़ा के 6500 करोड़ तक ले गए हम लोग। आने वाले टाइम में जो है ना हेल्थ की सर्विसेज, हेल्थ की सुविधाएं जो है ना और अच्छी की जाएगी। हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की श्रेणी में किस जिले के सिविल हॉस्पिटल को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है अम्बाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल को पहला स्थान मिला है। अच्छा, दूसरे स्थान पे कौन सा है? दूसरे स्थान पे पंचकुला है। और तीसरे स्थान पे कौन सा? तीसरे स्थान पे इसमें है करनाल है। तो हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की लिस्ट में अम्बाला कैंट जो है ना वो नंबर वन है। ताकि इसका मतलब नंबर वन का यहाँ के नागरिकों को जो है ना वो टाइम पे सुविधा मिल रही है, प्रॉपर तरीके का इलाज मिल रहा है, ठीक है। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के महासचिव अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? तो हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के अभी रिसेंटली सेक्रेटरी जो है ना वो बनाया गया है, इनका नाम है राकेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है, राकेश सिंह कोच जो है ना इनका पूरा नाम है। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन जो है ना इसका हेडक्वार्टर पड़ता है रोहतक में। ये एक प्रकार की ऐसी बॉडी है जो तकरीबन रेसलिंग जैसा स्पोर्ट है ना उसको सहायता करती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। ये राकेश कोच पिछले लंबे समय से खेलों से ही जुड़े हुए हैं और भादुरगढ़ में जो है ना मॉडल स्कूल के निदेशक भी हैं अभी एट प्रेजेंट के लिए। इन्होंने कहा आने वाले टाइम में ये कोशिश रहेगी कि खिलाड़ियों को हर वो सुविधा दी जाए जो अभी उससे जो खिलाड़ी वंचित चल रहे हैं। और भारत में जो अगर बात करता हूँ रेसलिंग की, तो श्री बृजभूषण सारण सिंह जो है ना इसके हेड है या चेयरपर्सन है, प्रेजिडेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को एक याद कर लेना है, न्यू दिल्ली में तो हेडक्वार्टर है ही। हरियाणा में पहली बार कितने बुजुर्गों की घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन जो है ना वो शुरू की गई है? तो हरियाणा में टोटल 7000 बुजुर्गों की घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन जो है ना वो स्टार्ट की गई है। जिनकी उम्र 60 साल से पार हो जाती है, 57 से 60 के बीच के होते हैं तकरीबन, उन लोगों को जो है ना ये बेसिकली पेंशन दी जाती है। लेकिन मज़े की बात इस बार ये है कि 12000 बुजुर्गों ने जो है ना पेंशन लेने से मना कर दिया। मना क्यों किया? मना इसलिए कर दिया कि उनके परिवार के सदस्य उनका अच्छी प्रकार से ध्यान रख रहे हैं, इसलिए वो पेंशन लेना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस समय हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन के जो पात्र हैं उनकी संख्या लगभग कितनी है? टोटल मतलब 2857529 ऐसे लोग हैं जिनको जो है ना पेंशन दी जा रही है, ठीक है ना। और 10000 के आसपास लोगों की पेंशन जो है ना दोबारा से स्टार्ट की गई है। तो ट्रिपल पी योजना के तहत जो है ना अपने आप ही जो 60 साल का पूरा हो रहा है उसकी पेंशन स्टार्ट की जा रही है। 7000 लोगों की पेंशन जो है ना अभी स्टार्ट हुई है हरियाणा के अंदर घर बैठे ही। नीति आयोग के मुताबिक हरियाणा में कितने परसेंटेज बेरोजगारी दर है? ये तो यूँ समझिएगा एक प्रकार से लड़ाई वाला ही सवाल है। नीति आयोग के अनुसार 8% बेरोजगारी है हरियाणा में, लेकिन CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हरियाणा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर से जो है ना वो जूझ रहा है। अभी रिसेंटली एक बैठक हुई थी एक्चुअली नीति आयोग के अधिकारियों के साथ में, और 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो है ना बैठक होगी, लेकिन अभी ये टेम्परेरी रूप से बैठक हुई है जिसमें पशुपालन, मछली पालन, बागवानी जैसे किसानों की आय दोगुनी करने को लेके जो है ना चर्चा हुई है। और 2030 तक केंद्र की नीति है, लेकिन 2025 तक जो है ना हरियाणा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी। नीति का स्थापना कब हुआ था? नीति का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नीति के CEO परमेश्वरन हैं। नीति के उपाध्यक्ष का नाम जो है ना वो अभी नए बने हैं, मतलब थर्ड वॉइस चेयरपर्सन सुमन के बेरी, पहले अरविंद पनगड़िया थे और अरविंद पनगड़िया के बाद में राजीव कुमार, और राजीव कुमार के बाद में अभी आई हैं जिनका नाम आप लोगों को जो है ना मतलब आए हैं सुमन के बेरी। फीमेल सा नाम है तो लगता है, लेकिन मेल है ये एक्चुअली, ठीक है। नीति आयोग को थिंक टैंक भी आप लोग कहते हो, तो खैर मतलब हरियाणा के CEO ने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो CMIE है इसके डेटा झूठे हैं। हालांकि ये तो अभी भी हरियाणा को सबसे नंबर वन बता रहा है, हर महीने का एक रैंक आता है, हरियाणा का 26.9 है तो सबसे लास्ट में बता रहा है, कहने का मतलब उसके बाद में जो नंबर आता है वो राजस्थान का बता रहे हैं, फिर बता रखा है कौन से का, गोवा का, ठीक है ना।
लेकिन सबसे कम बेरोजगारी जो है ना इन्होंने छत्तीसगढ़ की दिखा रखी है फिलहाल के लिए, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की, ओडिशा की भी बहुत कम है, 0.9 है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो है ना वो केवल 0.06 है, इतनी ही बेरोजगारी बची है, ठीक है ना। पहले ये हिमाचल की थी या फिर मध्य प्रदेश की थी, 0.5 थी, लेकिन अब तो आंकड़े थोड़े थोड़े जो है ना वो चेंज हो गए वक्त के अनुसार में, ठीक है। तो ये बाकी स्टेट है, आसाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ 0.8 ही है केवल, 0.8 ही है, दिल्ली है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, ठीक है ना, ये बाकी सभी स्टेट दे रखे हैं। और ओवरऑल इंडिया की 6.9% बेरोजगारी है, अर्बन की 8.3 है, रूरल की कितनी है, 6.2% है। तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। और आपके लिए क्वेश्चन है कि हनुक नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध, पारसी, यहूदी और कन्फ्यूशियस, बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होने वाला हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।